सतगुरुदेव की जय। सत साहे गरीब नमन नमे सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नमः। तो आज का संलेख है पुण्य आत्माओं पितृ पूजा निषेध। पितृ पूजा निषेध का मतलब आज के युग में बहुत ही ज़्यादा आदमी भ्रमित हुआ पड़ा है, तो उन्होंने पूजा उठा ली, अपने जो कुल में कोई मरा उसी का पत्थर जमा लिया और उसी की पूजा चालू कर दी कि ये तो मेरे पितृदेव है, ये कर देगा वो करेगा, इसको पूजा ना करूँगा तो खड़ करेगा। तो इसी बात के ऊपर ये सत्संग है, किसी प्रकार भी पितृ पूजा नहीं करना निषेध। पितृ पूजा साथ निकालना आदि कुछ नहीं करना, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये गीता में कहा है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा कि पितरों की वो पूजों की पूजा करने से साफ मना किया भगवान ने। गीता जी का अध्याय श्लोक नंबर 9 के 25वें अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूत पूजने भूतों को प्राप्त होंगे और मतानुसार पूजा करने वाले वो मुझे प्राप्त होंगे। ये कबीर साहब ने कहा है अपनी वाणी में कि भूतों की पूजा करने से वो अंतिम समय में जब यहाँ से चोला छोड़ के जाता है तो वो भूत उसको घेर लेते हैं, वो उस भूत ही बन के रह जाती है आत्मा। और पितरों का भी यही हाल है कि जैसे कोई पितरों की पूजा कर रहा है तो पितृ भी यही भगत बोलते हैं भूखे प्यासे, तो भूखे प्यासे जो पितर हैं वो भी उनको यहीं घेर लेते हैं। तो हम जैसा भी जिस देव की इष्ट देव की पूजा करेंगे उसी को प्राप्त होते हैं। इसमें यह कहा है कि भगवान कबीर साहब ने कहा है कि भूत रमेशो भूत हैं देव रमेशो रेव देव राम रमेशो राम है सुनो शुकुल सुवेव। तो हम जैसा भी भक्ति करेंगे वो सही हमें परिणाम मिलेगा, उसी देव को हम प्राप्त होंगे। उसी को हम प्राप्त होते हैं फिर, इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति हो। वे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सत कबीर, इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 46 में है। ये परमेश्वर ने कहा है कि ये श्री कृष्ण जी ने, अब बताते हैं कृष्ण जी ने गीता बोली ने गीता काल भ्रम ने बोली है। कृष्ण जी का शरीर में प्रेत भूत की तरह, जैसे कहते हैं कि फलाना के भूत आ गया, भूत की तरह शरीर उसका इस्तेमाल करा और काल ने ही ये गीता बोली है। तो जिस परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मानुसार पूजा करके मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है क्रम अनुसार, जैसा जैसा वो भक्ति करता है वो सही उसी को देव को प्राप्त हो जाता है। आगे अब अनुवाद है कि सर्वभाव तात्पर्य है कि कोई भी पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर से आस्था रखना और गीता अध्याय के 8 का श्लोक नंबर 23 में कहा है कि संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है वो है परम पुरुष, वह परम पुरुष परमात्मा। तो अन्य व्यभित योग्य है। भक्ति का तात्पर्य है कि परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवता अर्थात तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा तम गुण शिव तम गुण शिव की नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक 1 से 4, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 1,
ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, नवीनाशी संसार रूपी पीपल का वृक्ष, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनिया पत्ते के हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। मेरा तात्पर्य कहने का मतलब ये है अपने आत्माओं कि ये जो संसार रूपी जो जाल बिछा हुआ है, ये रचा हुआ है संसार, ये एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष पीपल का, ऐसा समझूं कि ऊपर जड़ तो है परमात्मा कुल के मालिक, और जो उससे मूल जो निकला वो है अक्षर पुरुष, उसको कहते हैं परब्रह्म, और तीसरी जो डाल जब चली है उसको कहते हैं ज्योति स्वरूप, ज्योति निरंजन, वह ये यहाँ का मालिक है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है। अब इनसे जो डाली निकली है वह तीन रूपी शाखा, तीन गुणों रूपी शाखा, उनको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसके बारे में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वागीदार, तीन देव शाखा हैं पात रूप संसार, और जो मूल है जड़ वो है अविनाशी परमात्मा, बाकी ये नाशवान है सब, ये नाशवान है, ये हमको जैसी हम भक्ति करता है उसके फलस्वरूप में हमको बदला दे सकते हैं, बाकी ये मुक्ति नहीं कर सकते, इनके बस की हमारे मुक्ति नहीं है। और अगर हम मान लो विष्णु जी की भक्ति करते हैं, विष्णु जी की भक्ति में भी हमें क्या मिलेगा, जो हम यहाँ से पुण्य करके ले जाएंगे, पुण्य करके जाएंगे, धर्म करके जाएंगे, जो कुछ कमाई करके ले जाएंगे वो स्वर्ग में जाके निखा के नहीं, फिर लोग 84 में हमको ये जो यहाँ का मालिक है काल कहते हैं उसको, सर्वभ्रम भी कहते हैं, और फिर लोग 84 में डाल देगा और फिर हम कुत्ते बिल्ली की जोड़ी में आ जाएंगे। तो हमारे कबीर साहब ये कहते हैं कि भक्ति करो अविनाशी परमात्मा की, और कबीर साहब ही भगवान रूप में आए हुए हैं, लेकिन वो अपनों को छुपा के है नहीं और एक संत का रूप धारण करके यहाँ रहे, लेकिन किसी को ये नहीं बताया, पता चला कि ये भगवान है और वह सब धोखे में रह गए। जब अंतिम समय जब परमात्मा यहाँ से गए और जब ये दोनों हिंदू मुस्लिम सब जो नाम ले रखे थे और सब बिलक बिलक के वहाँ रोने लगे कि हम भगवान को पहचान ही नहीं सके कि भगवान हमारे बीच में, हमने इनको गुरु माना और आज हमारे बीच में से भगवान जा रहे हैं। आज भी वहाँ परमात्मा के नाम की हिंदू और मुस्लिम की 500 बीघा जमीन उस राजा ने अलॉटमेंट करी, जो राजा वहाँ का अन्वय था, मगहर में इन्होंने अपना चोला छोड़ा था, मगहर के राजा थे बिजली खान पठान, और बिजली खान पठान उनके चेले थे गुरुजी का, परमेश्वर कबीर साहब जी का। तो जब वहाँ उन्होंने मगहर में जाके चोला छोड़ा तो उस समय आगे की बात मैं कल कहूँगा, बस इतना ही कह कहनी समाप्त करता हूँ। सच्चाई।